वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे शक्कर के बने हुए नारियल के लड्डू, यानी के चीनीर नारकेलेर नाड़ू। चलिए बनाना शुरू करेंगे लड्डू। देखिए, सबसे पहले हम लोग नारियल को इस तरह से अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक, देखिए मैं आपको पास लेके दिखा रही हूँ, जितना अच्छे से ये बारीक क्रश होगा उतना अच्छा आपका नारियल के लड्डू बनेंगे। सबसे पहले आप एक पैन गरम कर ले और उस पर आप डाल ले नारियल। मैं यहाँ पर दो नारियल का बना रही हूँ। देखिए अब नारियल को डालने के बाद हम लोग इसमें मिला देंगे शक्कर, क्योंकि ये शक्कर वाली बन रही है, तो आप शक्कर जितना नारियल है उससे थोड़ा सा कम, करीब इक्वल ही है, थोड़ा सा कम आप उस पर शक्कर मिलाएं। देखिए अब नारियल और शक्कर को हम लोग अच्छे से मिलाएंगे, और ये जो शक्कर हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है, इस शक्कर को हम लोगों को मेल्ट करनी है, और साथ ही साथ जो नारियल है वो भी शक्कर के साथ पकती जाएगी। आपको नारियल के लड्डू जब आप शक्कर से बना रहे हो तो इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि शक्कर जो है वो बहुत जल्दी ही टाइट पड़ जाते हैं, तो इसके वजह से नारियल के लड्डू जब आप बनाने वाले होते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि नारियल के लड्डू पकते नहीं हैं। तो आप जैसे जैसे इसको बनाते रहेंगे इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ये ना हो जाए। देखिए जो नारियल है, अगर आप देखेंगे, देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, नरम पन्ने लगे हैं। आप इतना ध्यान रखें, इसका जब आप बना रहे हो तो गैस का जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, तो फिर नारियल के जो लड्डू है आपके शक्कर वाले वो लाल पड़ जाएंगे। थोड़ा मीडियम आंच पे ही इसको बनाएं और रह रह के इसको चलाते रहें ताकि नारियल अच्छे से पक जाए। देखिए आप देख सकते हैं जो नारियल है वो एक दूसरे के साथ अब इकट्ठा होने लग गया है। इसका मतलब है कि ये अब जो इसका पाक है ये बनके तैयार होने वाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा निकाल के देख लें, थाली में थोड़ा सा निकाल के, अगर आप हल्का सा ठंडा होगा तो उसको अगर आप हाथ से लड्डू जैसे पकाएंगे तो अगर ये बंद रही है तो मतलब ये आपका जो फूड है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको और 2 मिनट में चला लूंगी और फिर इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आप किसी थाली के ऊपर रख ले और हल्का हल्का सा जैसे ही ठंडा होगा इसको आप लड्डू का शेप देके एक बार चेक कर ले कि ये बंध रहा है कि नहीं। देखिए छोटा सा हिस्सा निकाल के आप जैसे इसको रोल करेंगे, देखिए ये पकड़ा है, मतलब बंध रहा है, मतलब ये डन है। अब हम लोग इसको और पकाएंगे नहीं, वरना शक्कर के जो नारियल लड्डू है वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, तो आपकी पाक पकड़ेगी नहीं। तो अब हम लोग इसको जल्दी से निकाल लेंगे। देखिए अब हम लोग इसको एक थाली के ऊपर, कोई सी भी स्टील की थाली ले लें और इसको निकाल लें। साथ ही साथ जैसे आप थाली पे इसको निकाल लें, साथ ही साथ कोई भी कटोरी के साथ आप इसको एक साथ जगह पे करें और इसको इस तरह से बंद कर दें ताकि ये ठंडा ना हो जाए जल्दी से। अब इसके हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। इस तरह से जल्दी से फटाफट थोड़ा सा इसको हटाते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएं और इससे लड्डू बनाते जाएं। इसमें सुविधा ये होता है, अगर आपके घर पे मेंबर्स ज़्यादा हैं तो एक दो जन का आप हेल्प ले लें साथ में, और पूरे नारियल को बिल्कुल एक साथ ना निकालें, थोड़ा थोड़ा करके ही निकालें, वरना ठंडा हो जाएगा तो आपको ये लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि शक्कर का है। देखिए इस तरह से हम लोग सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप पानी रख ले थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाएं और बनाते जाएं, इसमें आपको लड्डू बनाने में आसानी होगी। लीजिए बनके तैयार है हमारे शक्कर के नारियल के लड्डू, नारकेले नाड़ू, चीनी नारकेले नाड़ू। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए विजिटर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।